आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, यंग के दो स्लिट प्रयोग में पर्दे के बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि दोनों स्लिटों से आने वाले प्रकाश में शून्य का पथांतर हो। ठीक है, तो अगर हम यंग के दो स्लिट प्रयोग की बात करें तो ये मान लीजिए ये स्लिट है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी हमने डी से डी रखनी है। ठीक है, तो ये देखिए एस वन और एस टू क्या है, दो स्लिट है और यहाँ पे हम मान ले रहे हैं एक प्रकाश स्रोत है जो कला संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जब इन दोनों छिद्र से क्या होगा, व्यतिकरण जब तरंगों का होगा तो ये आपस में व्यतिकरण के फलस्वरूप हम यहाँ पे पी पे एक फ्रिंज प्राप्त हो रही है। ठीक है, जिसके लिए हम ये हमें व्यतिकरण के फलस्वरूप प्राप्त हो रही है। अब बोला जा रहा है कि हमें उस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है जहाँ पे इन दोनों तरंगों के बीच का पथांतर क्या है, शून्य है। तो देखिए पथांतर शून्य डेल्टा एक्स सूचित करते हैं, ये शून्य का मतलब क्या है कि ये फ्रिंज हमारा कौन सा है, ये केंद्रीय हमारे पास फ्रिंज है, कुछ इस प्रकार से हमें जो क्या होगी प्राप्त होगी। और इसकी तीव्रता क्या होती है केंद्रीय फ्रिंज की, केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता जो होती है वो सबसे अधिक होती है बाकी फ्रिंजों के तुलना में। तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि पथांतर शून्य का मतलब है कि दोनों तरंगों का पथांतर शून्य का मतलब है जो कि केंद्र पर हमें तीव्रता प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए तीव्रता देख लेते हैं कितना हमें ज्ञात होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि अगर हम जो हमारा कालांतर है फाई और पथांतर में संबंध देखें तो फाई बराबर क्या होता है, दो पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है पथांतर और फाई क्या है कालांतर। ठीक, तो यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा, दो पाई बाई लैम्डा गुने शून्य पथांतर, तो फाई बराबर भी क्या आ गया, शून्य हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब हम तीव्रता के सूत्र से देखते हैं। तो आई नॉट अगर हम यहाँ पे ये हमें ओ बिंदु पे मान लीजिए प्राप्त हो रहा है, तो अगर हम आई नॉट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र आई वन प्लस आई टू दोनों तरंगों की जो तीव्रता है, ये जो दो तरंग व्यतिकरण कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक तरंग है और ये दो तरंग है। ठीक है, ये दूसरी तरंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तीव्रता आई वन और इसकी तीव्रता आई टू मान ले रहा हूँ, इसका व्यतिकरण के फलस्वरूप हमें केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आई नॉट अगर तीव्रता है तो आई वन प्लस आई टू प्लस दो रूट आई वन आई टू कॉस फाई होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आई वन और आई टू की अगर हम बात करें, चूंकि कला संबंध स्रोत है तो इसकी तीव्रता क्या होगी, ये दोनों समान होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई वन प्लस दो रूट आई वन का होल स्क्वायर कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान कितना, फाई, क्योंकि जीरो है, तो आई नॉट बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आई वन प्लस दो आई वन कॉस शून्य का मान जीरो होता है, तो आई नॉट बराबर यहाँ से कितना आ गया, चार आई वन के बराबर। ठीक है, अर्थात ये जो तीव्रता है, जो केंद्रीय तीव्रता हमें फ्रिंज की तीव्रता प्राप्त होगी, वो इन तरंगों के तीव्रता के लिए, ये आई वन आई टू हम ले रहे हैं क्योंकि कला संबंध है, तो यहाँ पर आई वन बराबर आई टू है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए चार गुनी तीव्रता हमें प्राप्त होगी। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।